गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको आपका पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या था, वर्ण, और वर्णों के मेल से क्या बनता है शब्द। तो आज सबसे पहले इसके प्रश्नोत्तर लिखिए, उसके बाद इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न में, देखिए शब्द किससे बनते हैं। तो आंसर है बच्चों आपका, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकारी शब्द किन आधारों पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों कि विकारी शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक का नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब है बच्चों आपके लिखित प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स यदि कोई भी वर्णों का समूह है और उसका कुछ अर्थ निकल रहा है तभी वह शब्द कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं गमला, तो हमें पता लग रहा है कि एक ऐसी वस्तु है जिसमें कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन यदि हम कहें गमला बमला, तो बमला क्या है, कोई भी अर्थ उसका नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द को हम ऐसे वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। नाम लिखिए। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है। सार्थक शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज, देखिए इस चैप्टर की, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। साइड में आपके 2-2 शब्द दिए हुए हैं, हमें उनमें से सही शब्द को लिखना है। तो वर्णों के मेल से डैश बनते शब्द बनते या वाक्य शब्द बनते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें डैश शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। डैश शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्दों में। संज्ञा डैश शब्द का भेद है विकारी। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण उलट पुलट गए हैं, इन वर्णों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो मा, ग और ला क्या बन गया इसका, अगर हम सीधा करें तो गमला। कह रे तैबू, तो इसका मिलाकर वर्णों को अगर मैं सीधा किया तो क्या हुआ, कबूतर। छू क आ यानी कि कछुआ। ला मैं ही महिला। गी चाब बगीचा। दया विलय विद्यालय। नेक्स्ट देखिए, 3 तरह के अणे दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें 3-3 शब्द बनाने हैं। तो पहला अणे जो है उसको देखिए, प्रण, कण और क्षण। रा से देखिए नीड, पेड़ और कपड़ा। धा से देखिए पढ़ना, चढ़ना और बुढ़िया। निम्नलिखित में विकारी शब्द का उदाहरण क्या है, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संबंध बोधक या योजक। संज्ञा को छोड़कर बाकी शब्द अविकारी शब्द होते हैं, इसलिए संज्ञा विकारी शब्द है। निम्नलिखित में से शब्द का एक प्रकार नहीं होता है, सार्थक, निरर्थक, शीतल या विकारी। शीतल नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है, माता, कपड़ा, शिक्षा, वपड़ा। वपड़ा नहीं है, क्योंकि वपड़ा क्या है, एक निरर्थक शब्द है। निम्नलिखित निरर्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्द लिखिए। वोटी के साथ क्या लिखा जाएगा, रोटी। विलाई के साथ सिलाई। वाना के साथ खाना। वॉकरी के साथ नौकरी। प्रतिदिन बोले जाने वाले कुछ निरर्थक शब्द देखिए, बोटी, वाना, शाय और बुक। ठीक है बच्चों, यदि बुक है तो एक्सरसाइज को बुक पर करेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।